समाज राष्ट्र धर्म में बाधक हैं, उन्हें समूल नष्ट करना चाहिए। और हमने इसे सबक भी लिया है कि जो आदमी दुराचारी होगा, अधर्म के रास्ते पर चलेगा, निश्चित रूप से उसका अंत बहुत खराब होगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आयुर्वेद कॉलेज के ग्राउंड पर पंजाबी हिंदी एसोसिएशन के द्वारा 71वां ये उत्सव मनाया गया और हम सब ने नगरवासियों ने हर जाति और धर्म के लोगों ने मिलजुल करके इसका आनंद लिया। और हमने इसे सबक भी लिया है कि जो आदमी दुराचारी होगा, अधर्म के रास्ते पर चलेगा, निश्चित रूप से उसका अंत बहुत खराब होगा। और ये हमको भगवान ने भारतीय संस्कृति में हमको बताया है, किसी का भी मन न दुखाया जाए, सबकी सेवा की जाए और अपना जीवन सफल बनाए। धन्यवाद। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन जबलपुर के द्वारा पंजाबी दशहरा विगत 71 वर्षों से मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम के साथ ये दशहरा मनाया जाता है और ये दशहरा हमारे पूरे मध्य प्रदेश की एक पहचान है। भगवान राम ने इस धरा पर अवतार ले करके मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, जहां पर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, अपने धर्म संस्कृति के रक्षण के लिए इन बुराइयों के प्रतीक रावण और कुंभकर्ण का वध किया और संदेश दिया कि जो भी समाज राष्ट्र धर्म में बाधक हैं, उन्हें समूल नष्ट करना चाहिए। हम सबको शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान राम ने जो मर्यादा स्थापित किया है, जो आदर्श स्थापित किए हैं, हम उनको अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे अंदर और बाहर की बुराइयां का समापन होगा। हम यहाँ पे हर वर्ष इसी तरह जबलपुर में ये चीज आयुर्वेद होती है। यहाँ पे कुंभकर्ण और रावण के पुतले को दहन किया जाता है और इसी से हमें ये पता चलता है कि बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है। यहाँ काफी अच्छे से हमने आतिशबाजी का प्रोग्राम देखा जो कि बहुत अच्छी तरीके से आयोजित किया गया था। एक रथ यात्रा भी हुई जो कि राम जी और सीता जी पूरे ग्राउंड में घूम घूम कर लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। लोगों ने बहुत अच्छा भी लगा, लोगों को बहुत एंजॉय किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।